नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में कुछ नए नए अपडेट्स मिलेंगे देखने को। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर चैनल पर हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो, और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो पोषण ट्रैकर ऐप जैसे कि हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे तो अभी कुछ अपडेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उन अपडेट को जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहले प्ले स्टोर में जाएँगे और प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप पोषण ट्रैकर लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे अपडेट के ऑप्शन दिखाई दे देगा, तो आप लोग सिंपली यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप अपडेट हो चुका है, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे पोषण ट्रैकर ऐप के होम पेज पे। तो होम पेज पे आने के बाद आप फर्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन पहले दिखाई दे रहा था, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, या जितने भी इसमें आपको मॉड्यूल दिखाई दे रहे थे, उसमें आपको कितने लाभार्थी जुड़े हैं, कितने गर्भवती महिला जुड़े हैं, आप लोगों को यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कितने गर्भवती महिला हैं, कितने स्तनपान कराने माताएं हैं, और कितने 0 से 6 मंथ के बच्चे हैं, 6 मंथ से 3 साल के बच्चे हैं, और 3 साल से 6 साल के कितने बच्चे हैं। तो अब आप यहां से कितने लाभार्थी आपने किन मॉड्यूल में ऐड किया है, उन सभी को यहां से आप लोग काउंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले अपडेट के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि जैसे ही गर्भवती महिला को हम लोग कैटेगरी को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे कि पहले यहाँ पे कुछ फ़ोटो जो वगैरह नहीं थी, तो अब यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो एरो का निशान दिखाई दे रहा है, इस एरो के निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कॉल नाउ। तो यहाँ से आप लोग उस लाभार्थी को यहाँ से डायरेक्ट कॉल लगा सकते हैं, यानी कि फ़ोन लगा सकते हैं उस लाभार्थी को, और लाभार्थी को आपने कब अपडेट किया है वो भी आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, यानी कि इसके पहले आपने उस लाभार्थी में क्या ऐड किया है, क्या अपडेट किया है, उसके बारे में आप लोग यहीं से देख सकते हैं। जैसे कि इस लाभार्थी को हमने 1/5/2021 1:04 के समय में इसमें कुछ ऐड किया था, तो वो यहाँ पर शो कर जाएगा। और उसके ठीक नीचे यहाँ पे जो नो मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। इसमें जो गर्भवती महिला के इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो आप लोग यहाँ से जाके उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कुछ और नया देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे प्रेगनेंसी मंथ, यहाँ पे कितने मंथ से ये महिला प्रेगनेंट है, यानी गर्भवती है, उसका यहाँ पर आप लोग मंथ भी देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर उसकी उम्र भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। यहाँ पे स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनका लिस्ट ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इनमें कौन सा नया नया अपडेट जुड़ा है। तो जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये स्तनपान कराने वाली माताओं की कैटेगरी ओपन हुई है। तो बाद यहाँ पर जो एरो का निशान दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस एरो के निशान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर अपडेट ऐट, यानी कि अपडेट ऐप में आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस स्तनपान कराने वाली माता को कब अपडेट किया था, उसकी डिटेल्स यहीं से हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद इस स्तनपान कराने वाली माता को भी यहीं से हम लोग कॉल करके उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या हमें कुछ जानकारी लेनी हो तो यहीं से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग 0 से 6 मंथ के बच्चे की कैटेगरी को ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया जुड़ा है। तो जैसे ही इसको खोलेंगे तो आपके होम पेज पे कुछ बच्चे का फ़ोटो दिखाई देगा, जो कि ये नया अपडेट है। फिर से यहाँ पर जो एरो का निशान दिया गया है,
इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो बच्चे की डिटेल्स है यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो जैसे कि हम लोग पहले जानकारी एंटर करें में जाके जो भी बच्चे का जानकारी हम लोग उसमें भरते थे वो जानकारी आपको अब यहीं पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे बच्चे का हाइट कितना है, बच्चे का वज़न कितना है और बच्चे को लास्ट हम अपडेट कब किए थे वो भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो हमने फ़ोन नंबर ऐड किया है उसके बच्चे के लाभार्थी के माता पिता का, तो यहाँ से उस बच्चे के लाभार्थी के माता पिता को कॉल भी लगा सकते हैं। और फिर इसमें जो नो मोर का ऑप्शन दिया गया है इस पर आप लोग क्लिक करके बच्चे की जो इंस्ट्रक्शन है, जो जानकारी है 0 से 6 मंथ के, उसको यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और फिर 6 मंथ से 3 साल के जो बच्चे की कैटेगरी है उसमें देखते हैं कि क्या क्या नया जोड़ा गया है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो ग्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और रेड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इन सभी के बारे में आपको फुल डिटेल्स में अलग से आपको वीडियो को मिल जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो अपडेट्स आए हैं उन्हीं अपडेट्स को जान लेते हैं। तो देखिए इसमें नया अपडेट्स क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे फिर से एरो के निशान पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसमें जो हेल्थ स्टेटस है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हेल्थ स्टेटस कि अति गंभीर कुपोषण, यानी कि गंभीर कुपोषित बच्चे जिसको बोलते हैं उसका मतलब यही होता है। और यहाँ पे जो ग्रीन वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि इस वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो स्टेटस इसका दिखा रहा है ये बच्चा अभी नॉर्मल है, इसका ऊंचाई वगैरह सारा चीज़ इसमें डिटेल्स भरा गया है। तो आप लोग जब इसका डिटेल्स भरेंगे तो बड़ी सावधानी से इसका डिटेल्स भरिएगा। जैसे और उसके बाद यहाँ पे 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनकी कैटेगरी को ओपन करेंगे, चेक करेंगे कि इसमें क्या क्या अपडेट्स जुड़ी हुई है। जो जैसा कि एरो पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि हमने इसको कब अपडेट किया था उसकी डिटेल्स आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जो भी सारी अपडेट्स नए आई थी मैंने आपको सिर्फ अपडेट के बारे में जानकारी बताया है। और अगर आपको इन अपडेट्स के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना के आप सभी को जानकारी दे दूंगा। तो ये अपडेट आप सभी को कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारी ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।